उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर 14 जनवरी से आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की शुरुआत हो रही है। सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही स्नान के लिए स्वच्छ और निर्मल जल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही संगम क्षेत्र में गंगा का जल काला पड़ गया है। त्रिवेणी मार्ग के पहले बनाए गए पॉन्टून पुल के पास गंगा घाट पर जल पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा है। जल से दुर्गंध भी आ रही है, जिसके चलते दूर दराज से स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें हो रही है। घाटों पर रहने वाले पुरोहित और घाटिये गंगा जल के काला पड़ने की वजह कानपुर के फैक्ट्रियों, टेनरी और गंदे नालों के पानी का गंगा में छोड़ा जाना बता रहे हैं। तो आचमन करने लायक तो मान लीजिए काला जल होने के कारण लोग जहाँ देखते हैं तो मन बिछा कर चले जाते हैं कि जल जो है काला है, तो जल तो काला नहीं होना चाहिए। तो अगर गंगा माँ मान करके करते हैं तो आदमी की मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा धार्मिक आस्था है हिंदुओं की जो है। तो अगर जल इसी तरह बहता रहा तो लोग जो है इस पर तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। और हमारी तो सरकार सभी से, सरकार से या किसी से मांग यही है कि जल जो है स्वच्छ और निर्मल बहे, सभी लोग आस्था से माँ गंगा की पूजा करें, ढंग से सारा सिस्टम हो। तो हम लोगों की यही मांग है और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मेला भी पास आ रहा है, हजारों लोग वो तो हजार लाखों लोग तो अभी लगा रहे हैं, जब मेला आएगा तो कितने लोग लगाएंगे इसकी तो गिनती है सरकार ही कर सकती है, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे। बाकी अनुमान है कि बहुत लोग आते हैं कि यहाँ पे आस्था से डुबकी लगाते हैं, भाव लोगों का है माँ गंगा के प्रति। तो जल तो स्वच्छ होना चाहिए, अब जल स्वच्छ नहीं तो काला काला पानी दिखता है पूरा। प्रयागराज में स्नान के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु भी गंगा का काला जल देखकर हैरान हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो स्नान के लिए आए थे लेकिन जल आचमन के लायक भी नहीं है। वहीं संगम क्षेत्र में रहने वाले तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि सरकार ने स्वच्छ और निर्मल गंगा का अभियान जरूर चला रहा है, लेकिन प्रयागराज में गंगा का जल काला होना बता रहा है कि व्यवस्थाएं और प्रशासन गंगा के प्रति उदासीन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, माघ मेला में बहुत दूर दूर से स्नानार्थी आते हैं, उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए गंगा जी में पर्याप्त मात्रा में निर्मल और स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता रहा है, इस बार भी उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा जी में लगभग इस अभी 5000 के आसपास में क्यूसेक जल चल रहा है, स्नान के समय उसमें 8000 से 9000 के आसपास में क्यूसेक जल रहता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में जल छोड़ दिया गया है और स्नान तक हमें स्वच्छ और निर्मल जल मिलेगा। कुछ जगहों पर जो काला पड़ा है इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? वाटर लेवल कम था, चूँकि जब ये लगभग 15 दिन पहले की बात है, उसमें लगभग 3200 क्यूसेक वाटर चल रहा था, क्योंकि नहरों के लिए सिंचाई के लिए गंगा जी के नहरें खोल दी गई थी। अब स्नान के लिए पर्याप्त मात्रा में जल सुनिश्चित कराया जा रहा है, आज के डेट में लगभग 6000 के आसपास में क्यूसेक जल छोड़ा गया है और 10 तारीख से के आसपास में 8 से 9000 के क्यूसेक जल रहेगा, जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। माघ मेला 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व है। दूर दराज से श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे लेकिन अभी से गंगा का जल काला पड़ गया है, जो व्यवस्था के दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।